फिल्मी पर्दे पर अपनी धाक जमाने वाले राज बब्बर को जनअधिकार पार्टी का पूरा समर्थन मिल रहा है। जनअधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा का उड़न खटोला धीमश्री के माँ सती मंदिर के प्रांगण में उतरा। जैसे ही उनका उड़न खटोला उतरा, राज बब्बर ने उनकी अगुवाई की। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर और बाबू सिंह कुशवाहा ने माता सती के मंदिर में जाकर उनके सामने माथा टेका और आशीर्वाद मांगा। इसलिए हम लोगों ने देखा कि अगर हमें भारतीय संविधान को बचाना है तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो भारतीय संविधान के हक में खड़ी। तो जब हम पूरे देश में नजर उठा के देखते हैं तो हमें एक ही पार्टी खड़ी नजर आई, वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आई। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है, अगर भारतीय संविधान को हम चाहते हैं इस देश में लागू रहे, तो हमारे लिए जरूरी है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, राहुल गांधी के नेतृत्व में उसकी सरकार। बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने 10 मिनट के भाषण में फिल्म स्टार राज बब्बर का जिक्र बार बार किया। राज बब्बर को बाबू सिंह कुशवाहा ने पूरा सम्मान देते हुए उनको आदरणीय कहकर भी संबोधित किया। वो किसी भी पार्टी में हो, आज आए हो या ना आए हो, मैंने बहुत सारे साथियों से फोन करके पूछा, मैंने बात की कि अगर हम जन अधिकार पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से आदरणीय राज बब्बर जी को लाते हैं तो क्या पोजिशन होगी। जितने लोगों से मैंने बात की उनमें से एक आदमी भी नहीं कहा कि हम किसी भी हालत में पीछे जाएंगे। सारे साथियों ने कहा कि हम भारी बहुमत से राज बब्बर जी को जिता करके यहाँ से लेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने संबोधन में राज बब्बर को ईमानदार और एक अच्छा इंसान बताते हुए जनअधिकार पार्टी के सदस्यों से और कुशवाहा समाज के लोगों से वोट करने की अपील की। उनका कहना था कि एक एक घर में जाकर राज बब्बर के बारे में बताया जाए। तो खास करके जो हमारे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि पूरी ताकत के साथ पूरा जोर शोर लगा करके श्री राज बब्बर जी को जिताने की कोशिश करें। अगर आप लोग राज बब्बर जी को यहां से जिता करके भेजते हैं, हमारी जन अधिकार पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहता है, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक सपोर्टर, हमारा एक एक वोट अगर कांग्रेस पार्टी के निशान के साथ जाता है तो आने वाला 2022 मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जन अधिकार पार्टी का बहुत सुनहरा होगा। बाबू सिंह कुशवाहा ने सरकार पर भी हमला बोला। उनका कहना था कि सरकार के वादों को जो पूरे नहीं हुए उसे जनता के बीच में पहुंचाने का काम करो। जब आपसे कोई कुछ कहे तो उसका हिसाब मांगो कि वादों का क्या हुआ। लगभग 10,000 की भीड़ देखकर पूर्व कदौर मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा भी गदगद नजर आए। विनोद जूनियर, सी न्यूज, आगरा।